प्रणाम देव। बिना अनुमति मेरे दरबार में घुसने का दुस्साहस। सूर्यदेव, जो अधिकार आपकी उष्मा का समुद्र के जल पर होता है, जो अधिकार बादलों से बरसते हुए जल का पृथ्वी की मिट्टी पर होता है, वही अधिकार एक प्रेयसी का उसकी प्रेमी पर भी होता है। मैं देवी छाया और आपका पुत्र शनि हूँ, और आज यहाँ अपनी माँ को इनका अधिकार दिलाने आया हूँ। उतना ही अधिकार जितना माता संज्ञा का है। इस सूर्य लोक पर और आप पर। अधिकार की चर्चा ये सबोध मुख से तुझे अधिकार किसने दिया बालक कि मुझ तक और मेरे लोक तक आने का दुस्साहस करे। भूल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी माता की। जब तुम्हें ही अपना उचित स्थान स्मरण नहीं रहा तो अपने बालक को क्या सिखाओगे? संज्ञा की छाया थी तुम बस, और कुछ नहीं। ना तुम्हारा कोई अस्तित्व था, ना कोई आकार। योग संयोग, कष्ट सुख, वेदना दुख, अपमान सम्मान, कोई भावना नहीं थी तुम में। चेतना से शून्य थी तुम, बिल्कुल जड़। संज्ञा ने तुम्हें अपनी दासी, अपनी सेविका के रूप में जन्म दिया। ये साकार रूप दिया केवल इसलिए कि ये मेरा विकराल ताप सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए नहीं कि तुम इनके ही अधिकार का हरण कर लो। मुझे प्रेम करने का अधिकार तुम्हें नहीं था छाया। सत्य तो यह है कि जब संज्ञा मेरे पास लौट आई थी तो तुम्हें फिर से इनमें समा जाना चाहिए था। तुम्हारी रचना एक विशेष उद्देश्य के लिए की गई थी। यदि वो उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाना चाहिए था। पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम भी जानती थी संज्ञा जैसी पवित्र स्त्री में वापस समा जाने का अधिकार तुम खो चुकी हो। एक स्त्री की सबसे अमूल्य धरोहर उसका चरित्र ही खो दिया है तुमने। एक स्त्री की सबसे अमूल्य धरोहर उसका चरित्र ही खो दिया है तुमने। कैसे छाया, कैसे एक पर पुरुष के साथ संबंध बना पाई तुम? कैसे उस पुरुष की सैया सुसज्जित कर पाई जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं? इस संपूर्ण सृष्टि में स्त्री के लिए जो सबसे बड़ा पाप है वो पाप किया है तुमने। तुम कलुषित हो चुके हो छाया, पतिता हो तुम, पतिता। तुम कलुषित हो चुके हो छाया, पतिता हो तुम, पतिता। आगे बोलो। अपनी आंखों के सामने अपनी मां का अपमान होते देखना, उन्हें उपास का पात्र बनते देखना एक पुत्र के हृदय को छल्ली कर देता है। उस समय जो अग्नि उस पुत्र के हृदय में धधकती है उसका ताप सूर्य के तेज से भी अधिक होता है। यह उस दिन आपने प्रमाणित किया था शनिदेव। यदि मेरी माँ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था तो अपना चरित्र कैसे खोया इन्होंने? आप प्रकाश के देव हैं, फिर भी एक स्त्री के आंतरिक प्रकाश को पहचान नहीं पाए। अब मैं बताता हूँ सत्य। सत्य ये है कि जिस क्षण से माता संज्ञा ने अपनी छाया से अलग करके साकार रूप दिया, उसी क्षण से मेरी माँ अपने स्वतंत्र अस्तित्व की स्वामिनी बन गई। तन मन और आत्मा सब स्वतंत्र था इनका। इन्हीं के मनोभावों से संचालित वियोग संयोग, कष्ट सुख, वेदना प्रेम, सभी भावनाएं थी इनके मन में। इसलिए आपकी सेवा करते करते इनके मन में आपके प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, फिर प्रेम हो जाना तो स्वाभाविक ही था। और आपने भी तो इनके प्रेम का उत्तर प्रेम करके ही दिया था।
प्रेम नहीं किया है तुम्हारी माँ ने, छल किया है। मेरा रूप धर के मेरे पति के साथ संबंध बनाए हैं, उन्हें अंधकार में रखकर। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक सभासद ये जानता है कि सूर्य देव के पास सत्य को जान लेने की अद्भुत शक्ति है, कोई भी रहस्य इनसे छुपा नहीं रह सकता। पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है वी माता, यदि एक पुरुष यह नहीं जान पाता कि उसकी शैया में संबंध बनाती स्त्री उसकी पत्नी है या कोई और, तो कटाक्ष उस स्त्री के चरित्र पर नहीं स्वयं उस पुरुष के चरित्र पर होना चाहिए। ऐसे दुर्वचन कहने वाला मूड मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ना इसका रंग रूप मुझसे मिलता है, ना कोई गुण, ना जाने किसके साथ अवैध संबंधों का परिणाम है ये बालक, ना जाने किसके साथ अवैध संबंधों का परिणाम है ये बालक। पर इतना स्पष्ट है कि ये बुद्धिहीन और तेजहीन है। मेरा पुत्र नहीं है ये, मेरा पुत्र नहीं है ये, मेरा पुत्र नहीं है ये। ये क्या कह दिया स्वामी आपने, ये क्या कह दिया, इतना बड़ा लांछन, इतना बड़ा आरोप, ये सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। माँ, माँ, नहीं माँ, आप मत रोइए। इन्हें प्रमाण चाहिए ना, मैं देता हूँ इन्हें अपना प्रमाण। मेरा तेज देखना चाहते हैं ये, अब मैं दिखाऊंगा इन्हें अपना तेज। सूर्य संज्ञा और छाया की भी सोच से परे था, ये बालक ऐसी शक्ति साधेगा कि सूर्य संज्ञा शून्य हो जाएंगे, हर सभासद भौचक रह जाएगा। दुमल, यदि शनि देव सच में इतने शक्तिशाली हैं कि सूर्य देव भी इनके सामने तेजहीन हो गए, तो फिर हम इनकी वक्र दृष्टि से कैसे बच पाएंगे। क्या हुआ गरु, तुम मौन क्यों हो गए? उस दिन शनि देव का क्रोध, उनका तेज सबको दिखाई दिया था,
पर किसी को उनकी पीड़ा नहीं दिखाई दी थी। उनके हृदय में उठता भवंडर किसी को नहीं दिखा था। संसार में ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो अपने पिता का अनादर करना चाहता हो, पर अपने मां के सम्मान के लिए शनिदेव को अपने पिता के विरुद्ध सर उठाना पड़ा। इस बात की पीड़ा कितना दंश देती है ये कोई और नहीं समझ सकता। ये क्या कर रहे हो तुम? बस करो, इन्हें क्षमा कर दो पुत्र। हमें तुम्हारी शक्ति का आभास नहीं था, अब हमें ज्ञात हो गया है। इनसे अपनी दृष्टि हटा लो पुत्र। इस विमाता की बात मानो पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं और पिता पूजनीय होते हैं। तुम्हारे पिता को सारा संसार पूजता है, समस्त संसार का जीवन इन्हीं से संचालित होता है। अपने पिता को प्रताड़ित मत करो पुत्र। पिता से भी बड़ा स्थान होता है माँ का, और इन्होंने मेरी माँ का अपमान किया है, मेरी माँ का अधिकार छीना है इन्होंने। उनके साथ जो अन्याय किया है उसका दंड मैं इन्हें देके रहूंगा। आज न्याय करूंगा मैं। बस कर शनि। अपने पिता का अपमान करने का साहस भी कैसे किया तूने? जब कोई हमारे साथ अनुचित करे तो प्रतिउत्तर में हम भी उसके साथ अनुचित व्यवहार करके कुछ भी ठीक नहीं कर सकते पुत्र। न्याय का अर्थ सदैव दंड देना नहीं होता है पुत्र। तू मुझे न्याय दिलाना चाहता था, पर तूने सूर्यदेव का तेज छीनकर संसार के सभी प्राणियों को जो कष्ट पहुँचाया है उसका आभास है तुझे? संसार में त्राही त्राही की पुकार मची है, क्या ये उन सब के साथ अन्याय नहीं है? न्याय का एक ही सिद्धांत है पुत्र, सहस्त्र अपराधी मुक्त हो जाएं, पर एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा। क्षमा मुझसे नहीं, अपने पिता से मांग। भूल तो मुझसे हुई है पुत्र। देवी छाया, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में और शनि को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं आपको वो सारे अधिकार प्रदान करता हूं जो देवी संज्ञा को प्राप्त हैं। छाया मेरी बहन, मेरे अपमान भरे व्यवहार को भुलाना तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माता पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तुम अभी अभी तो मिले हो पुत्र, इतने शीघ्र कहाँ जाओगे? मैं तपस्या करना चाहता हूँ पिताजी, ताकि अपने शक्तियों का प्रयोग मैं संसार के कल्याण के लिए कर पाऊँ, एक ऐसा पुत्र बन पाऊँ जिस पर आपको और मेरी दोनों माताओं को गर्व हो। हमारी माँ ने शनिदेव के बारे में हमें ये सब क्यों नहीं बताया? वो तो सदैव हमें इनसे सावधान रहने के लिए कहती रही। माँ सही ही कहती थी, सावधान तो अभी भी रहना होगा इनसे, नहीं तो कहीं हम भी भूत नंदी की तरह आहत हो गए तो। हाँ।
अचानक बहुत तीव्र पीड़ा हुई। अस्थि में पीड़ा तो शनि के प्रकोप के कारण होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गरुड़ की पीड़ा का आभास तुझे हो रहा है? पता नहीं दीदी, मैं बस इतना जानती हूँ, यदि हमारा संदेश सत्य है और हमारे पुत्र शनि ग्रह पर ही हैं, तो हमें बिना भयभीत हुए शनि देव की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। यदि इसका आभास इतना दृढ़ है, तो अवश्य ही मेरे पुत्र गरुड़ के साथ शनि देव के समक्ष होंगे। हमें उड़द दाल, काले तिल, नीलम, काली गाय और भैंस का दान किसी निर्धन ब्राह्मण को करना चाहिए। पूरे हृदय से उन्हें भोजन कराना चाहिए और श्वान को दही चावल भी खिलाने चाहिए। तो इतनी शांत कैसे है? तुझे तेरे पुत्र के लिए भय नहीं लग रहा है? यदि शनिदेव मेरे पुत्र को कोई कष्ट देते हैं, तो वो उसके कर्मों का ही फल होगा। जब मुझे आभास हुआ था कि मेरा पुत्र अपना मार्ग भटककर सूर्यलोक के स्थान पर शनि ग्रह पर पहुंच गया है, तो ये सत्य है कि मैं विचलित हुई थी। पर शनि के प्रकोप से स्वयं महादेव को भी वृक्ष के कोटर में छुपना पड़ा था, तो मेरा और आपका भयभीत होना स्वाभाविक ही है। पर जो हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यदि गरुड़ वहां तक पहुंचा है, तो इसमें भी श्री विष्णु की ही इच्छा होगी। और मेरे हरि की हर इच्छा में अच्छाई छुपी होती है। एक माँ होने के नाते मुझे अपने दिए हुए संस्कारों पर, अपने पालन पोषण पर पूरा विश्वास है। मेरे पुत्र ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया होगा जिसे शनि देव को उसे दंड देना पड़े। इसलिए मुझे कोई भय नहीं लग रहा। मुझे सूर्य पुष्प चाहिए और उसके लिए तुझे सूर्य लोक जाना होगा। क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गए? तुझे तो बहुत सारी तैयारियां करनी थी ना, स्मरण रहे, कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। यदि तेरे या तेरे पुत्र के कारण मेरे पुत्रों का हित हुआ, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। माँ, आपके संस्कारों को मैं हमेशा स्मरण रखूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। आपको कहीं भी शीश झुकाने का अवसर नहीं दूंगा।